नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। ताज नगरी आगरा से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां कुछ अपराधियों ने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। महिला अपने पति के साथ मायके जा रही थी, तभी रास्ते में सुनसान इलाका देखकर अपराधियों ने महिला को अगवा कर लिया और उसके पास रखे सामानों के साथ भी लूटपाट की। साथ ही उसके पति के सामने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया। वहीं गांव वालों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और मामला दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू कर दी। तो आगरा से ये मामला सामने आया, जहां एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आपको बता दें कि महिला अपने पति के साथ मायके जा रही थी, जिसके बाद अपराधियों ने सुनसान इलाके में दोनों को धर दबोचा, वहीं उनके साथ लूटपाट की गई, साथ ही महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया गया। तो आपको बता दें, आगरा में एक घटना सामने आने के बाद से इलाके के लोगों में आक्रोश देखने को मिला। उनका आरोप है कि पुलिस मामले पर कार्यवाही करने में संकोच कर रही थी। वहीं जब प्रदर्शन किया गया तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। फिलहाल अपराधी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आगरा में आज एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जहां एक महिला अपने पति के साथ मायके जा रही थी, तभी कुछ अपराधियों ने उसे गिरफ्त में लेकर सामूहिक दुष्कर्म किया। बस्ती के सदर कोतवाली इलाके में दबंगों की दबंगई सामने आई, जहां दबंगों ने एक दुकान के अंदर घुसकर दुकानदार को जमकर पीटा और तोड़फोड़ करते हुए सभी दबंग मौके से फरार हो गए। इस पूरी घटना के बाद पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को मामले की सूचना दी। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है, साथ ही दबंगों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। तो बस्ती में आज दबंगों की दबंगई का एक मामला सामने आया, जहां अब ऐसा प्रतीत होता है कि बस्ती में दबंगों के अंदर पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। आपको बता दें कि खुलेआम दबंगों ने एक दुकानदार के साथ मारपीट की है और लूटपाट की भी घटना को अंजाम दिया है। वहीं अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है, जिससे अपराधियों का सुराग मिल सके। तो बस्ती से यह खबर सामने आई, जहां दबंगों ने एक दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की है। आपको बता दें कि बस्ती से यह मामला सामने आया है, जहां एक दुकानदार को मामूली विवाद के बाद कुछ दबंगों ने जमकर पीट दिया। वहीं अब मामला सामने आने के बाद से पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। 30 मार्च की शाम को पवारा चौक थाना कोतवाली जनपद बस्ती में एक जूस की दुकान पर कुछ लोग युवकों के द्वारा तोड़फोड़ करी गई। इस संबंध में जो जूस कॉर्नर का मालिक है, उसकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो मौके पर सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई है, उसको अब कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस की दो टीमें सीसीटीवी फुटेज की जाँच पड़ताल कर रही हैं। उसमें जो लोग दिखाई दे रहे हैं, उनकी धरपकड़ के लिए दो टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही इसमें जो लोग हैं उनको बुला के पूछताछ की जाएगी। मामले के सभी पहलुओं से देखा जा रहा है, जो भी इसमें चीज निकल के आएगी उसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी में एसपी के निर्देश पर शातिर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ दो पक्षों में हुई फायरिंग के बीच बेवर पुलिस को बड़ी कार्यवाही दिखाई दी है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पकड़े गए शातिर के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार को भी बरामद किया है। तो मैनपुरी में इस वक्त लगातार पुलिस शातिर अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसके बाद दो गुटों में हुई विवाद के बाद आज शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि शातिर के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार को भी बरामद किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद से सभी जिलों में लगातार पुलिस एक्शन मोड पर आ चुकी है। लगातार अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगाम कसती चली जा रही है, जिसके बाद आज मैनपुरी में भी फायरिंग मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए शातिर अपराधी को
गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि शातिर के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। देवर में एक सूचना आई गल्लापुर से, दो पक्षों में फायरिंग हो रही है। इस फायरिंग की सूचना पे पुलिस दल बदल के साथ वहाँ पहुंची, तो दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, ये नहीं माने, फिर किसी तरह ये इनको काबू में पाया जा सका और इनके घर में तलाशी ली गई, तो दोनों पक्षों से अवैध एफआईआर मिली। रामपुर में वसूली करने वालों से तंग आकर एक मिठाई विक्रेता ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी के साथ पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब चारों अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्यवाही जारी है। तो रामपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां वसूली से तंग आकर एक मिठाई विक्रेता ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। आपको बता दें कि मिठाई विक्रेता ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल मृतक की पत्नी ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद अब पुलिस चारों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। थाना मिलक क्षेत्र की एक महिला ने थाने पर तहरीर दी कि कल उसके घर पर चार लोग आए थे और उसके पति पर उधार वापस करने के लिए दबाव बना रहे थे और उधार ना वापस करने पर जान से मारने की धमकी भी देकर गए थे। इन्हीं से परेशान होकर उसके पति ने आत्महत्या कर ली है। उसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो मृत व्यक्ति हैं उसके जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। शीघ्र ही इन चारों व्यक्ति की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की जाएगी और आगे की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं। इसी कड़ी में रायबरेली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की चालान फीस जमा करने के लिए भारी संख्या में प्रत्याशी बैंक पहुंचे थे। इस दौरान लाइन में लगे लोगों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। बता दें कि लाइन में लगे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और इनमें से कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई दे रहा था। आपको बता दें कि रायबरेली में यह मामला सामने आया, जहां लगातार कोरोना एक तरफ देश में पैर पसार रहा है, वहीं रायबरेली में पंचायत प्रत्याशियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां लोग कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए नजर आए। आपको बता दें कि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने बैंक में मास्क का प्रयोग नहीं किया है। लगातार देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। वहीं आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि रायबरेली में पुलिस की मौजूदगी में भी किस प्रकार पंचायत प्रत्याशी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही कोई व्यक्ति मास्क लगाए दिखाई दे रहा है। पंचायत चुनाव के लिए जहां पर सरकार ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर ना कोई कोरोना नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, ना कोई मास्क लगाए हैं, ना कोई भी पुलिस की यहां पर व्यवस्था है। ये लोग सुबह 3 बजे से यहां पर खड़े हुए हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला जिला प्रशासन में कोई नहीं है। कैमरा मैन रविंद्र के साथ ओम शंकर शुक्ला। यूपी पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और 18 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं इस बार राजनीतिक पार्टियां भी पंचायत चुनाव में राजनीतिक तौर पर उतर रही हैं। आज आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की। आम आदमी पार्टी की पंचायत चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी, इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने खास बात की आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह से। जो 2 बार 90% से ज्यादा सीटें जीत कर आती है, आम आदमी पार्टी 2015 में 67 सीट, 2020 में 62 सीट और उसके पहले 28 सीट 2013 में, इतने प्रचंड बहुमत से 2 बार जीतने के बाद जो पार्टी
बिजली पे, पानी पे, चिकित्सा पे, शिक्षा पे, जनहित में तमाम काम कर रही है। और इतना ही नहीं, दिल्ली के बजट को हम लोगों ने दोगुना किया। जब हम आए थे तो 30,000 करोड़ का बजट था, आज 62,000 करोड़ का बजट है। तो ऐसी पार्टी जो जनता के लिए इतना काम कर रही है, उसकी सरकार की सारी शक्तियां छीन के आपने एलजी को गवर्नमेंट बना दिया। यह बहुत ही खतरनाक काम मोदी सरकार ने किया है। और अगर इस पर रोक नहीं लगी, क्योंकि हमने सड़क पर भी लड़ाई लड़ी, संसद में भी लड़ाई लड़ी, लेकिन जबरन संख्या बल के आधार पर उन्होंने ये गैर संवैधानिक बिल पास किया। और गैर संवैधानिक क्यों है ये मैं बता दूं, आर्टिकल 239A का क्लॉज 6 साफ तौर पे कहता है कि दिल्ली में जो विधानसभा होगी उसके प्रति मंत्रिपरिषद जवाबदेह होगा। ये संविधान में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।